इस वीडियो में आगे देखिए। अगर चैन से सोना चाहते हो तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दो। हमने कैसे देख लिया इनको? क्योंकि यह है 10 ऐसे वीडियो फुटेज जिन्हें देखने के बाद आज रात अंधेरा होते ही आपको डर लगने वाला है। ये अजीब वीडियो फुटेज रात के समय एक पार्क में रिकॉर्ड किया गया है। एक बंदा खुद ब खुद हिलते हुए झूले को सुन्न होकर देख रहा है, तो यहां दूसरा एक व्यक्ति आकर इस झूले का वीडियो अपने मोबाइल में कैद करने लगता है। अब अगली फुटेज उसी मोबाइल की है। सीसीटीवी फुटेज में पेड़ के पास जो बंदा खड़ा था वो मोबाइल रिकॉर्डिंग में दिखाई नहीं दिया। अब चलिए इन दोनों फुटेज को एक साथ देखते हैं। तो वहां कोई इंसान खड़ा भी था या नहीं, वो सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग में क्यों दिख रहा था, और क्या इस झूले के साथ वही खेल रहा है? कोई इस महिला का पीछा कर रहा है जिससे डरकर वो तेजी से चल रही है। अंधेरी रात में दिखाई नहीं पड़ता कि आखिर वो क्यों डरी सहमी भागे जा रही है, मगर कुछ ही देर बाद कैमरे में उसका यह डर रिकॉर्ड हो जाता है। यह महिला अपने पीछे देख रही थी जबकि उसके पीछे तो कोई भी नहीं था, लेकिन फिर ना जाने कहां से एक आकृति प्रकट होती है। यह आकृति ठीक उसी जगह खड़ी थी जिस तरफ देखते हुए यह महिला दौड़े जा रही थी। अब इसे देखकर आपको क्या लगता है, क्या यह एक भूतहा घटना है या फिर यह सिर्फ कोई चोर उचक्का है जो इस अकेली महिला को लूटने की फिराक में था? इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां एक बेहद छोटी आकृति जंगलों के बीच टहलती रिकॉर्ड की गई है। ऐसा लगता है यह कोई इंसानी बच्चा है, मगर सुनसान जंगल में भला एक छोटे से मासूम बच्चे का क्या काम हो सकता है? इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी नंगे बदन अकेले घूमते इस बच्चे के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसके अनुसार ये कोई इंसानी बच्चा नहीं था। तो फिर ये क्या था? अगर आप समझ पाए हो तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। इस छत के ऊपर एक अजीब शक्ति है जिसने इस मोहल्ले के सभी लोगों के होश उड़ा रखे हैं। नौजवान लड़के इसके करीब जाने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी कारणवश ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाते। जो भी उसके पास जाने की हिम्मत करता है वो डरकर वापस अपने कदम पीछे हटा लेता है। लोग नीचे से इस चीज पर पत्थर भी फेंक रहे थे
जिसका उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था, और फिर एक धमाके के साथ वो गायब हो जाती है। यहां कुछ लोग उसे जादूगरनी बता रहे थे तो कुछ एक चुड़ैल। खैर वो जो भी थी, इतना तो जाहिर है इस जगह के लोग दोबारा उसके दर्शन नहीं करना चाहेंगे। इस अगले वीडियो को रेडिट पर अपलोड करते हुए एक महिला ने लिखा कि ये मेरे 2 साल के मासूम बच्चे का वीडियो है। रात 3 बजे बेबी मॉनिटरिंग कैमरा में वो कुछ मूवमेंट करते और रोते रिकॉर्ड हुआ। ऐसा लगता है किसी ने उसके पांव खींचे हैं। मुझे इसे देखकर डर लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में बच्चे की मूवमेंट साधारण नहीं लग रही। सोते हुए बच्चे का पांव इस तरह पीछे गया जैसे किसी ने उसे पकड़कर खींचा हो। बच्चे की मां ने लिखा कि मुझे उसका यूं हिलना स्वाभाविक नहीं लग रहा, और वो जानना चाहती है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। कोई है जिसने इस कमरे में बैठे बच्चों को सम्मोहित किया हुआ है, पर हम नहीं जानते कि वो है कौन। एक्सल लोजा नामक लड़के ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बताया कि मुझे और मेरे भाइयों को एक अनजान चेहरा रात को सोने नहीं देता। सहमे हुए ये लड़के किस चीज को देख रहे थे, जल्द ही आपको इसका पता चलने वाला है। कमरे में मौजूद अलमारी के कांच में उन्हें एक धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था, और इस अलमारी को खोले जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ। वो चेहरा कहां चला गया? और अगर ये एक आत्मा थी तो क्या इसका मतलब यह है कि आत्माएं लोगों के बेडरूम में ताक झांक करने का शौक फरमाती है? यह अगला वीडियो सज्जाद सलीम डायरीज नामक यूट्यूब चैनल से है। इनकी टीम एक हंटेड घर की जांच पड़ताल करने निकली थी, जहां उनकी मुलाकात एक डरावने और गुस्सेल जिन से हुई। क्या मखलूक है ये? आधा दरख्त के अंदर है, आधा इस छत के ऊपर है। वो कोई था जो यहां पहुंचते ही उनका स्वागत करने के लिए छत के ऊपर खड़ा था, जो शायद उन्हीं के ऊपर नजर बनाए हुए था। फिर भी ये लोग बिना डरे यहां रिकॉर्डिंग करते रहे, और तब कहीं जाकर जिन को अपना गुस्सा उन्हें दिखाना पड़ा। इनको तो किसी ने देखा नहीं था ना, नहीं देखा ना। तो हमें कैसे दिख गई है? हमने कैसे देख लिया इनको? ओ माय गॉड, सोहेल भाई, अल्लाह सब ठीक हो सोहेल भाई, क्या हुआ? ब्लॉक, पूरा ब्लॉक का मत। उनके ऊपर एक बड़े से पत्थर का हमला हुआ। ये होता क्या है कि इस जगह पर ब्लॉक गिरता है, हम जब वहां देखते हैं हमें वो मखलूक नजर आती है, पहले हम वहां से यहाँ आते हैं और हमारे ऊपर ब्लॉक गिरता है। ये देखिए पूरा ब्लॉक देख लिया इनको। ओ माय गॉड सोहेल भाई। यहाँ रिकॉर्डिंग को स्लो करके देखने पर ये हमलावर भी कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई दिया। ये ब्लॉक गिरता है और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये एक फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरे पे गायब।
तो क्या ये जिन्न सज्जाद सलीम की टीम को यहां से भगा देना चाहता था, या फिर खुद उनकी टीम ने मिलकर ही इस कहानी की पटकथा लिखी है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप सज्जाद सलीम डायरीज यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडोनेशिया की रहने वाली इस महिला का नाम है ऑक्टोवियानी, जो अपने प्यारे से बेटे का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और इसी दरमियान उसके मोबाइल कैमरे में एक ऐसी अजीब चीज दिखाई दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऑक्टोवियानी के द्वारा पोस्ट किए गए इस टिकटॉक वीडियो में बच्चे के पीछे एक वृद्ध आदमी बैठा दिखाई दिया, जबकि इस घर में ऑक्टोवियानी अपने 3 बच्चों के साथ अकेली रहती है। उसके अनुसार उनके घर में कोई भी ऐसा इंसान ना ही रहता है और ना ही वीडियो रिकॉर्ड करते समय उनके पीछे कोई बैठा था। तो फिर ये कौन था? रोना नामक ये महिला अक्सर टिकटॉक पर अपने दैनिक जीवन के वीडियो अपलोड करती है, लेकिन हाल ही में रोना ने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जिसे लेकर लोग काफी बात कर रहे हैं। यह वीडियो बेबी मॉनिटरिंग कैमरा का है, जो कि रोना की बीमार माँ के कमरे में लगाया हुआ था। बेड पर सो रही उसकी माँ के पास एक चमकदार रोशनी का हाथ जैसा कुछ दिखाई पड़ता है, और इसी रोशनी की तरफ मुंह करके रोना की माँ नींद में कुछ बड़बड़ा भी रही थी। आगे हम एक छोटी सी बच्ची को भूत के साथ खेलते हुए देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। ये अगली फुटेज एक इंडोर होम सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड की गई है। यहां देखने को मिलता है कि एक बच्ची किचन के अंदर चलते हुए अचानक रुक जाती है, और उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटित होती है। इस बच्ची को मानो कोई दिखाई दे रहा था। अब ये चाहे जो भी था, पर वो कैमरे पर आने से शर्मा रहा था। बेशक ऐसा होता है कि बच्चे अपने काल्पनिक दोस्त बना लेते हैं, पर ये काल्पनिक दोस्त बच्चों के हाथ से कुछ छीनने की कोशिश नहीं किया करते। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बच्ची की माँ बताती है कि मेरी बेटी अपने एक काल्पनिक दोस्त के बारे में अक्सर बातें किया करती है, मगर अब मुझे उसके इस काल्पनिक दोस्त से डर लगने लगा है।